मित्रों, उत्तर प्रदेश के जो मतदान हो रहे हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। द ट्रेंड ऑफ वोटिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आर वेलकम एंड इनकरेजिंग। जो 2 बजे तक हमारी रिपोर्ट है, लगभग 45% मतदान हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों ओर से बहुत अधिक मतदाता मतदान केंद्रों पर गए हैं। हम मानते हैं कि यह एक परिवर्तन का संकेत है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ डेफिनेट चेंज इन उत्तर प्रदेश एंड ए क्वेस्ट फॉर गुड गवर्नेंस। बदलाव का संकेत, सुशासन की चाहत। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे कैंपेन को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जानबूझकर, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैंपेन में वार दिखाई पड़ा, राइट फ्रॉम रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट परमिसेबल टू बाटला हाउस, उसको बार बार रिपीट करके कांग्रेस पार्टी की कोशिश रही कि विकास से चुनाव हटे, और इसीलिए चाहे वो उनका भ्रष्टाचार हो उसको छुपाने में सपा बसपा, और सपा बसपा के भ्रष्टाचार को छुपाने में कांग्रेस पार्टी, ये मिली भगत दिखाई पड़ती रही। जो हमारे सूचना आई है हमें अभी आपके आने के पहले तो कुछ लिया है, तो बीजेपी की स्थिति इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी होने वाली है। 68 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। हमारी स्थिति पहले की तुलना में बहुत ही अच्छी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव में भी बहुत प्रभावी उनका स्थान नहीं था, लोकसभा के चुनाव में भी उनका प्रभावी स्थान नहीं था। समाजवादी पार्टी वहां पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, और अजीत सिंह के कांग्रेस के से आने के बाद जो स्थिति बदली है, और जो मायावती जी के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा है उनके भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ, इसका लाभ हमें निश्चित मिलने वाला है, हमें इसका पूरा विश्वास है। कल राहुल गांधी ने अपने प्रचार में आडवाणी जी पर फिर हमला किया है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी को इस पूरे चुनाव प्रचार में कौन सा मीडिया कंसल्टेंट उनको एडवाइस कर रहा है, ये शायद उनको स्वयं समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की राजनीति का अभियान मीडिया कंसल्टेंट के द्वारा नहीं चलता। भाषा में एक विनम्रता होनी चाहिए। आपको आलोचना करने का अधिकार है, बिल्कुल करिए। आप आडवाणी जी इस देश के एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके की शब्दावली का कल उन्होंने नोएडा में प्रयोग किया है बहुत ही निंदनीय है, एंड वी कंडेम इट आउटराइट। राहुल गांधी जी खामोश रहते हैं 2G से लेकर सारे घोटाले पर, और ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं आडवाणी जी के खिलाफ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल का भाषण का बहुत छपा है, देख लीजिए आप। मैं उनके भाषण को कोट कर करके उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहता। मित्रों, एक टिप्पणी और करनी है प्रेस काउंसिल के संबंध में। मित्रों, प्रेस काउंसिल का हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारे सरीखे बहुत लोगों ने प्रेस की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया है, और मैंने तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और एक वकील के रूप में दोनों मामले में संघर्ष किया है। हमारे हजारों साथियों ने किया है, जेपी मूवमेंट से हमने लड़ाई की है। लेकिन प्रेस काउंसिल का पद एक गरिमापूर्ण पद है, एक संवेदनशील पद है। द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल इज ए पोस्ट ऑफ डिग्निटी, carrying a lot of sensitive obligations to ensure freedom of press and accountability, both.
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति को इसके पद पर बिठाया जाता है, जिसकी एक सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वाणी में संयम, कीपिंग इन व्यू द सेंसिटिविटी एंड डिग्निटी ऑफ द पोस्ट. A retired Supreme Court judge is appointed as chairman of the press council, and it is important to maintain restraint in public comments. वर्तमान चेयरमैन श्री मार्गंडे कार्जू क्या उस संयम का परिचय दे रहे हैं, यह मैं उनके विवेक पर छोड़ना चाहता हूं. आई लीव इट टू द डिस्क्रेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ श्री मार्गंडे कार्जू that by his frequent public utterances leading to one controversy or the other, is he living up to that restraint in public conduct and utterances expected from his office. उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के बारे में कुछ टिप्पणी की है, उन्होंने स्वयं एक कमेटी बना दी है. अब कमेटी की जांच की रिपोर्ट आने के पहले आपने अपना निष्कर्ष दे दिया कि बिहार की एनडीए सरकार प्रेस की आजादी को दबा रही है. क्या मतलब है इसका? आप एक माननीय न्यायमूर्ति रहे हैं उच्चतम न्यायालय के, आपने अभी जांच पूरी नहीं हुई और आपने निष्कर्ष दे दिया. नीतीश कुमार की सरकार के कार्यकाल के बारे में भारत ही नहीं दुनिया की मीडिया ने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, प्रिंट और टेलीविजन दोनों ने. कई बार कई न्यूज चैनल ने उनको बेस्ट सीएम का खिताब दिया है. कभी तो किसी ने यह नहीं दबाव संकेत दिया कि वो दबाव में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं लिखा, आज तक नहीं लिखा. अगर कोई शिकायत उनके पास आई है तो यह शिकायत प्रायोजित भी हो सकती है, डेलीगेशंस कैन ऑल्सो बी स्पॉन्सर्ड. लेकिन इसकी जांच के पहले ही इस तरह के निष्कर्ष कहना मेरे ख्याल में ये बहुत उचित नहीं है. ये बात हम बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं.